दोस्तों प्ले स्टोर पर या फिर गूगल पर समझिए आपको बहुत सारे ऐसे कैमरा ऐप मिलेंगे जिसको आप डाउनलोड करके उसको यूज़ करके आपको मज़ा नहीं आएगा। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को जो DSLR का ऐप देने वाला हूँ दोस्तों ये आपको प्ले स्टोर पर पेड करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को ये एप्लीकेशन फ्री में देने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ इस तरह एप्लीकेशन आपको फिर कहीं और नहीं मिलेगा। और जिन भाइयों को इस एप्लीकेशन के बारे में पता है पहले तो मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जैसे कि न्यू है। मैं आप दोस्तों के लिए लेटेस्ट एप्लीकेशन तो लेकर आता हूं DSLR कैमरे के भी न्यू ऐप रिव्यू के भी फ्री इंटरनेट के भी। पर आज की इस वीडियो को देखते रहिए मैं आप दोस्तों को जो एप्लीकेशन देने वाला हूं बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। अगर आपके मोबाइल में कैमरा मौजूद है तो इस एप्लीकेशन को एक बार जरूर ट्राई कीजिए क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शन आपको मिलते हैं जो मोबाइल के कैमरे में नहीं मिलते। वैसे अगर हम बात करें तो मोबाइल के कैमरे में बहुत हर मोबाइल में कैमरा ऐप तो होता है आप दोस्तों को पता है पर वो उस तरह वर्क नहीं करता जिस तरह हम चाहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को वो कैमरा ऐप देने वाला हूँ जिस तरह आप चाहोगे ये उस तरह काम करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन और आप देख रहे हो टेक्निकल स्माइल की एक और नई वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों आपके एक लाइक से आपका कुछ नहीं चाहता, हो सके वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ना बोले। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। यहां पर दोस्तों हम मैं दोस्तों को जो एप्लीकेशन देने वाला हूं उसका कम से कम 17 से 20 MB साइज है और दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को रिकमेंड करूंगा अगर ये एप्लीकेशन आप दोस्तों को पसंद आया तो तब ही इस एप्लीकेशन का यूज करें, अगर ये एप्लीकेशन आपको पसंद नहीं आया फिर ना करें दोस्तों, ऐसा नहीं है। और ये हर मोबाइल पर वर्क है अगर आपका मोबाइल रूटेड हो या अनरूटेड हो, ये सारे मोबाइल पर वर्क करता है। मेरे मोबाइल का जो वर्जन है वो है 8.1। अगर आपका मोबाइल का वर्जन 4.0 से ऊपर है, मार्शमेलो है वगैरह वगैरह, तो ये भी फिर भी ये एप्लीकेशन काम करता है। बाकी इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को इस एप्लीकेशन का सारा रिव्यू देने वाला हूं तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिए। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और मैं आप दोस्तों को दिखाता हूं कि इस पर आप किसी तरह अपनी वीडियो शूट कर सकते हो या फिर इमेजेस शूट कर सकते हो वो भी आसानी से और वो भी DSLR लुक वाली। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। अभी मैं आप दोस्तों को ये कैमरा देने वाला हूं दोस्तों, इसका जो नाम है वो है लुमिया कैम। दोस्तों लुमिया कैम के बारे में आप तो सब तो जानते होंगे या अगर नहीं जानते होंगे तो वीडियो को लाइक कर दे। दोस्तों यहां पर हम बात करने वाले हैं लुमिया कैम के बारे में। दोस्तों इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शन है और हमें इसमें क्या क्या करना है। ट्रायल वर्जन लुमिया की करंटली 30 डेज, यहां पर हमने ट्राई पर क्लिक कर देना है क्योंकि इसका जो वर्जन है वो मैं बहुत जल्द आप दोस्तों को फ्री में देने वाला हूं। इसका जो फिलहाल जो है वो दोस्तों यहां पर इसकी जो रिजल्ट है वो देख सकते हैं, बाद में मैं आप दोस्तों को इसके जो सारे फंक्शन है वो मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को इसकी जो मेन फंक्शन है वो मैं आप दोस्तों को दिखा दूँ। यहाँ पर दोस्तों इसमें आप अपनी मर्जी से कंट्रास्ट वगैरह दे सकते हो, इसको और भी खूबसूरत बना सकते हो। दूसरी बात दोस्तों ये कि इसके जो पीछे का जो एरिया है वो आप दोस्तों ब्लर में दे सकते हो कि ये ब्लर में हो चुका है। और तीसरी बात दोस्तों इसमें आप अपनी मर्जी के जो कंट्रास्ट है वो भी दे सकते हो। मेन पार्ट जो है वो मेन पार्ट यहाँ पर दोस्तों आप है, आप अपनी मर्जी से आप अपनी फोकस कर सकते हो। और इसमें जो हाथ से हाथ बात है दोस्तों, इसमें जो रिजोल्यूशन है, बाज ऐसा होता है हम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देते हैं उसका जो रिजोल्यूशन होता है हमारा कैमरा होता है 15 या 12 मेगापिक्सल, वो हमारे कैमरे को बना देता है 8 मेगापिक्सल, इससे ज़्यादा हमारा कैमरा नहीं बन सकता। यहाँ पर दोस्तों और भी आपको ऑप्शन मिलेंगे अपनी मर्जी से दोस्तों, आप यहाँ पर इफेक्ट को अवेलेबल कर सकते हो। और यहाँ इसको इसमें जो हाज बात है वो दोस्तों ब्लार की है, यहाँ पर दोस्तों आप अपनी मर्जी से ब्लार दे सकते हो। दोस्तों देखिए नीचे पीछे का जो एरिया है वो ब्लार हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर मेन्यू पर हम अगर चले जाए तो मेन्यू में भी आप सेटिंग कर सकते हो, फ्रंट कैमरा है, बैक रियल कैमरा है। और यहाँ पर दोस्तों आप अपनी मर्जी की जो लेवल है, जूमिंग ब्लार है, जूमिंग ब्लार भी दोस्तों इसमें मौजूद है, ऑलवेज जूमिंग ब्लार और फेक वगैरह वगैरह। यहाँ पर दोस्तों आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो, ये वीडियो इसमें भी वीडियो से फुल रिजोल्यूशन आप इसमें कर सकते हो और इसमें जो इफेक्ट है यहाँ पर आप इफेक्ट भी डाल सकते हो। तो चलिए देखते हैं तो दोस्तों ये रहा हमारा जो जूमिंग ब्लार है वो ये है। सो इसका जो पीछे का एरिया है दोस्तों आप आसानी से देख सकते हो, इसका जो पीछे का एरिया है वो ब्लर हो चुका है। और दोस्तों इसके आप अगर आप पिक्चर निकालना चाहते हो तो यहाँ पर आपने डिम्बल करना है, यहाँ पर आप इसकी जो पिक्चर है वो आप ले सकते हो आप आसानी से।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये छोटी सी एप्लीकेशन आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ना भूले। मैं हमेशा आप दोस्तों के लिए ऐसे नए नए ट्रिक लेकर आता हूँ। तो मुझे इजाज़त, मैं हूँ आपका होस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़। इन पाकिस्तान जिंदाबाद।